प्रीवियस क्लास में बेसिकली क्या देखा था, क्यूब और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ये सब फॉर्मूले देखे थे और उसपे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो और आज की क्लास में क्या देखते हैं, क्यूब और क्यूबॉइड ही देखते हैं, लेकिन अब डिस्कस करते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम देखते हैं। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज एल बी एच, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, या इसको एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, इसको चाहे तो एल इंटू बी को क्या लिख सकते हैं, एरिया, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो जैसा क्वेश्चन में आपको पूछेगा उस हिसाब से आप इसको बता सकते हैं। अब है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का वॉल्यूम निकालना। तो जैसा कि कल मैंने बताया था आपको कि क्यूब में क्या होता है, तीनों इक्वल होते हैं, तो क्या हो जाएगा एल इंटू एल इंटू एल, मतलब क्या आ जाएगा एल क्यूब, मतलब एज का क्यूब, एज बोले या साइड का क्यूब बोले, तो आपके वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है। अब इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, अ मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर, तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस है। पैकेट में टोटल 12 बॉक्स है और एक बॉक्स का लेंथ विड्थ और हाइट दे रखा है, तो आपको पैकेट का वॉल्यूम निकालना है, करो फाइंड आउट सर। हाँ क्या आंसर, 180 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ सही है, क्योंकि अगर आप निकालोगे वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसके बाद वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, तो टोटल कितने 12 बॉक्सेस है, तो कितना आ जाएगा 12 इंटू 15, दिस इज 180 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द फाइनल आंसर। और भी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर्स, फाइंड द विड्थ ऑफ द टैंक, का विड्थ निकालना है, जबकि लेंथ एंड डिप्थ आर रेस्पेक्टिवली 2.5 मीटर एंड 10 मीटर, है ना, सॉल्व करें, बताए क्या आ रहा आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, यहां आप देख रहे हो कि ये 2.5 मीटर में दिया हुआ है, ये 10 मीटर में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ जो है क्यूबॉइडल टैंक की कैपेसिटी लीटर में दिया हुआ है, इस लीटर को पहले आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, मतलब ये वॉल्यूम दिया हुआ है आपका, वी इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, क्या दे रखा है आपका 50,000 लीटर, इसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3, ये हो गया आपका 50 मीटर क्यूब। अब तो फॉर्मूला बन गया आपका, क्या आता है एल बी एच, तो वॉल्यूम तो आपका आ गया 50, लेंथ दिया हुआ है आपका 2.5, विड्थ निकालना है और डेप्थ मतलब हाइट दे रखा है आपका 10, तो इससे ए डेप्थ कितना हो जाएगा आपका, ए जीरो से ए जीरो कैंसिल आउट, तो बी इक्वल टू 5/2.5, सिंप्लीफाई करेंगे जैसे नीचे 10 आ गया, तो 5 × 10/25, दिस इज 2, ये आपका आ गया विड्थ, आ गया आपका 2 मीटर, दिस इज द फाइनल आंसर। आया समझ में? यस सर। यस सर।
ये सब क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है। क्या क्वेश्चन है? अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइज 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सर्फेस एरिया। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। करो इसको, क्या क्वेश्चन कर रहा है? सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब, मतलब एक क्यूब को 8 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो पहले तो ये जो क्यूब का जो आपका साइड दिया हुआ था, तो इसका आपका वॉल्यूम निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दिस इज 12 का क्यूब। अब इसी क्यूब को 8 क्यूब में डिवाइड किया गया। अब जो 8 क्यूब में डिवाइड किया गया उसकी साइड कुछ मान लो आप, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ न्यू क्यूब बी एक्स सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो जो छोटे छोटे क्यूब जो बने हैं, दिस इस सबकी लेंथ क्या मान लिया अपन ने, एक्स मान लिया जाए, तो इससे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब आ जाएगा, साइड एक्स मान लिया आपने तो हो जाएगा एक्स क्यूब। लेकिन जो एक बड़ा क्यूब था उसी को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो दोनों वॉल्यूम इक्वल हो जाएंगे, क्या कर देंगे, 8x क्यूब इक्वल टू 12 क्यूब। इस तरीके से आपको साइड निकल जाएगा। कर लेते हैं सॉल्व, एक्स क्यूब इक्वल टू 12 का क्यूब अपॉन 8, 12 क्यूब को लिख दो 3 टाइम सॉल्व करने के लिए, 8 4 2 जा 4 3 जा 2 6 जा, तो एक्स क्यूब इक्वल टू आपका आ गया, एक्स क्यूब इक्वल टू आपका आ गया आपका यह 18 इंटू 12। अब दो तरीका इसको सॉल्व करने का, या तो दोनों का मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट निकाल लो, या इसको आप सिंप्लीफाई कर, 18 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 3, और 12 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 2, एक्स क्यूब 1 6 2 6, और 3 को 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, एक्स क्यूब इक्वल टू 6 का क्यूब, डेट मीन्स एक्स इक्वल टू 6, दिस इज द फाइनल आंसर। तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, या पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर ले, आपकी इच्छा, जैसे करना है वैसे कर सकते हैं, दोनों सही रहेगा। एक पार्ट तो हो गया, आगे क्या कह रहा है कि आल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन देयर सरफेस एरिया, मतलब बड़ा क्यूब और छोटा क्यूब का सरफेस एरिया निकालना है अपने को। अभी निकालते हैं, एस वन इज द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, जो बड़ा वाला जो क्यूब था, तो और सरफेस एरिया, तो मालूम है आपको फॉर्मूला 6L² हो जाएगा 6 12 का स्क्वायर। S2 निकाल लेते हैं, छोटे वाले क्यूब का सरफेस एरिया ऑफ 8 सॉलिड क्यूब ऑफ साइड अभी निकाला था 6 सेंटीमीटर, तो फॉर्मूला तो यहां भी वही लगाएंगे 6L² और इसमें 8 क्यूब दे रखा है, तो 8 से भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिस इज इनटू 8, 8 इंटू 6 और साइड क्या है 6 6 स्क्वायर, और अपने क्या निकालना था, दोनों का रेशियो। यहाँ आप मल्टीप्लाई मत करें, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा हो जाएगा, टाइम लेता, डायरेक्ट डिवाइड कर दें, 6 इंटू 12 का स्क्वायर 8 इंटू 6 इंटू 6 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर ले, जैसे करना आपको, 12 स्क्वायर को 2 टाइम्स लिख दें, 8 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, जैसे करना आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो 6 2 जा 6 से 6 गया
टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, मतलब ये आ गया आपका 1/2, ये आपका रेशियो आ गया 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सॉलिड क्यूब इज कट इनटू टू क्यूबॉइड ऑफ इक्वल वॉल्यूम, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन क्यूब दैट ऑफ द वन ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूब और क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, करो सॉल्व। तो सिंपल क्वेश्चन, हाँ क्या है आंसर सर? 3:2। अमन बनाए रहे थे सर अभी, अच्छी है। अ सॉलिड क्यूब इस कंट, तो पहले तो सॉलिड क्यूब का निकाल लेते हैं सरफेस एरिया, मतलब S1 मान लेते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिस इज 6a² ए मान लिया। S2 जो अपन ने छोटे पार्ट में कट किया था उसका निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन क्यूबॉइड, इसको दो पार्ट में किया था ना तो दो कर दिया, अब टोटल सरफेस एरिया, तो एक क्यूब को दो पार्ट में किया गया। जैसे अगर मैं आपको डायग्राम से बताऊं, ये आपका क्यूब था, करें कि अ सॉलिड क्यूब इज कट इनटू टू क्यूबॉइड ऑफ इक्वल वॉल्यूम, दोनों को इक्वल वॉल्यूम में डिवाइड किया गया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन क्यूब, तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो लेंथ और विड्थ तो वही रहेगा आपका, जैसे कि ए लेंथ हो गया आपका ए, विड्थ भी हो गया आपका ए, लेकिन हाइट चेंज हो जाएगा, मैंने आधा हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए बाय टू प्लस ए बाय टू इंटू ए, सॉल्व कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू प्लस ए स्क्वायर बाय टू, सॉल्व किया ए हो गया आपका टू और दो तीन चार फोर ए स्क्वायर, टू से टू कैंसिल आउट, ये आ गया आपका फोर ए स्क्वायर आ गया आपका। अब दोनों का रेशियो निकाल लो, एस वन अपॉन एस टू, एस वन तो क्या है आपका 6a² दिस इज 6a² और एस टू आया आपका 4a², ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, टू थ्री जा और टू टू जा, तो हो गया आपका 3/2, मतलब 3:2 इज द फाइनल आंसर। पुराना क्वेश्चन था उसी के कंसेप्ट पे बेस्ड है। क्या क्वेश्चन है, अ मेटालिक सीट इज ऑफ ए रेक्टेंगुलर शेप, मतलब एक मेटालिक शेप है जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है, कुछ इस तरीके से दिस इज रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप विथ डायमेंशन 48 × 36, मतलब ये लेंथ है 48 और ये है आपका 36, फ्रॉम ईच वन ऑफ इट्स कॉर्नर अ स्क्वायर 8 cm, मतलब प्रत्येक कॉर्नर पे कट लगा दिया गया, दिस एक कट हो गया, एक कट हो गया, एक कट हो गया और एक कट हो गया, ये जो कट जो लगाया है ना 8x8 का है, 8x8 का कट लगाया है। एंड ओपन बॉक्स इज मेड ऑफ द रिमेनिंग सीट, अब जिसको कट करके कॉर्नर से हटा देंगे तो रिमेनिंग सेट का आपका एक बॉक्स बन जाएगा, तो उसका ही वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है, करो ट्राई, सोचो करो। देखो सिंपल क्वेश्चन है, तो एक काम करते हैं, 8 cm इधर आपने कट लगाया, दिस 8 cm आपने इधर कट लगा दिया, तो और लेंथ कितना, लेंथ है आपका 48, इसमें से ए 8 माइनस हो जाएगा और ए भी 8 माइनस हो जाएगा, -8 -8 ये हो गया आपका 32 cm लेंथ, विड्थ की बात करें तो 36 है, यहां से भी ये माइनस हो जाएगा, यहां से भी माइनस हो जाएगा,
36 माइनस 8 माइनस 8 ये हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। अब हाइट की बात करें तो हाइट कितना हो जाएगा इसकी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि वो बॉक्स का ऊपर 3D ऑब्जेक्ट है हाइट। तो वॉल्यूम आपका फाइंड आउट हो गया आपका 32 इंटू 20 इंटू 8, दिस इज द वॉल्यूम 5120 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर होगा। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका है कि आप 48 और 36 दे रखा है, दूसरा तरीका है कि आप पूरे क्यूब का वॉल्यूम निकाल लें। तो वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब कर देता हूं माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब कर देता हूं, तो फाइनली आ जाएगा आपका आंसर वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब कितना आ जाएगा आपका, है ना। ये क्या है, मेटालिक सीट ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप है तब तो ये क्यूबॉइड हो जाएगा, ये क्यूबॉइड हो जाएगा। और इधर तो ठीक है, इसका निकाल लें वॉल्यूम, और इसकी वॉल्यूम में क्या कर लेंगे, चार है तो चार से मल्टीप्लाई करके एक का वॉल्यूम निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें तो खैर ए आठ है, ए आठ है, इसकी हाइट भी 80 है, इसमें तो खैर तीनों इक्वल है, इसमें तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। 8 × 8 × 8 × 8 और इसकी वॉल्यूम में क्या आ जाएगा आपका, लेंथ इंटू विड्थ, मतलब 38 × 36 × 36 × 8 + 8 × 48। इसको सॉल्व कर लें तो इससे आंसर आ जाएगा, तो एक इससे भी आंसर आ सकता है, इससे भी आ सकता है, जो आपको सिंपल लगे उससे आप बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाया क्यूब और क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का देखेंगे, क्यूब और क्यूबॉइड हो गया, अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सिलेंडर का।